महादेव जिस पर अपनी कृपा दृष्टि डाल देते हैं उसका बाल भी बांका नहीं हो सकता है। यदि आप महादेव के चमत्कारों से अवगत होना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिए और कम से कम अपने एक दोस्त को शेयर करिए। ऐसा कहा जाता है कि एक बार एक शिव भक्त अपने गांव से केदारनाथ धाम की यात्रा पर निकला। पहले यातायात की सुविधाएं तो थी नहीं, इसीलिए वह पैदल ही निकल पड़ा। रास्ते में जो भी मिलता उससे केदारनाथ का रास्ता पूछ लेता और मन में भगवान शिव का ध्यान करता रहता। चलते चलते उसको कई हफ्ते बीत गए, लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी, जिद पर अड़िग रहा। आखिरकार एक दिन वह केदार धाम पहुंच ही गया। केदारनाथ में मंदिर के द्वार 6 महीने खुलते हैं और 6 महीने बंद रहते हैं। वह उस समय पर पहुंचा जब मंदिर के द्वार बंद हो रहे थे। मंदिर के पंडित को उसने बताया कि वो बहुत दूर से लंबे समय की यात्रा करके आया है। पंडित से आग्रह किया कि कृपा करके दरवाजे खोलकर प्रभु के दर्शन करवा दीजिए, लेकिन वहां का तो नियम है कि एक बार द्वार बंद तो बंद। इसीलिए पंडित जी ने नियमों के चलते उसे साफ मना कर दिया। भगवान शिव के दर्शन न होने के कारण वो बहुत रोया। बार बार महादेव को याद किया कि प्रभु बस एक बार दर्शन दे दो। वह सभी से प्रार्थना कर रहा था लेकिन उसकी किसी ने भी नहीं सुनी। मंदिर के पंडित बोले, आप यहां 6 महीने बाद आना, क्योंकि 6 महीने बाद ही यहां के दरवाजे खुलेंगे। यहां 6 महीने बर्फ और ठंड पड़ती है और सभी जन वहां से चले गए। और वो वहीं पर रोता रहा। रोते रोते रात होने लगी, चारों तरफ अंधेरा हो गया, लेकिन उसे विश्वास था अपने शिव पर कि वो जरूर कृपा करेंगे और उसे दर्शन देंगे। अब उसे बहुत भूख और प्यास भी लग रही थी। उसने किसी की आने की आहट सुनी। उसने देखा एक सन्यासी बाबा उसकी ओर आ रहा है। वह सन्यासी बाबा उसके पास आया और पास में बैठ गया। सन्यासी बाबा ने उससे पूछा, बेटा कहां से आए हो? उसने सारा हाल सुना दिया और बोला, मेरा आना यहां पर व्यर्थ हो गया बाबा जी। बाबा जी ने उसे समझाया और खाना भी दिया। फिर बहुत देर तक बाबा उससे बातें करते रहे। बाबा जी को उस पर दया आ गई। वह बोले, बेटा मुझे लगता है सुबह मंदिर जरूर खुलेगा, तुम दर्शन जरूर करोगे। बातों बातों में इस भक्त को ना जाने कब नींद आ गई। अगली सुबह सूर्य के चमत्कारिक प्रकाश के साथ भक्त की आंख खुली। उसने इधर उधर बाबा को देखा किंतु वह कहीं नहीं थे। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता उसने देखा कि पंडित जी अपनी पूरी मंडली के साथ आ रहे हैं। उसने पंडित जी को प्रणाम किया और बोला, कल आपने तो कहा था कि मंदिर 6 महीने बाद खुलेगा। इस बीच कोई नहीं आएगा यहां, लेकिन आप तो सुबह ही आ गए। पंडित जी ने उसे गौर से देखा, पहचानने की कोशिश की और पूछा, तुम वही हो जो मंदिर का द्वार बंद होने पर आए थे, जो मुझे मिले थे? 6 महीने होते ही वापस आ गए। उस आदमी ने आश्चर्य से कहा, नहीं मैं कहीं नहीं गया, कल ही तो आप मिले थे रात में, मैं यहीं सो गया था, मैं कहीं गया ही नहीं। पंडित के आश्चर्य का ठिकाना नहीं था। उन्होंने कहा, लेकिन मैं तो 6 महीने पहले मंदिर बंद करके गया था और आज 6 महीने बाद आया हूं, तुम 6 महीने तक यहां पर जिंदा कैसे रह सकते हो? पंडित और सारी मंडली हैरान थी, इतनी सर्दी में एक अकेला व्यक्ति कैसे 6 महीने तक जिंदा रह सकता है। तब उस भक्त ने उनको सन्यासी बाबा के मिलने और उनके साथ की गई सारी बातें बता दी कि एक सन्यासी आया था, लंबा था, बरी बरी जटाएं, एक हाथ में त्रिशूल और एक हाथ में डमरू लिए, मृगशाला पहने हुआ था। पंडित और सब लोग उसके चरणों में गिर गए। बोले, हमने तो जिंदगी लगा दी प्रभु के दर्शन पाने में, किंतु प्रभु के दर्शन ना पा सके। सच्चे भक्त तो तुम हो, तुमने तो साक्षात भगवान शिव के दर्शन किए हैं, उन्होंने ही अपनी योग माया से तुम्हारे 6 महीने को एक रात में परिवर्तित कर दिया, कालखंड को छोटा कर दिया। यह सब तुम्हारे पवित्र मन और तुम्हारे विश्वास के कारण ही हुआ है, तुम धन्य हो पुत्र। मित्रों, यह घटना हमें बताती है कि मन में विश्वास हो तो भगवान भी भक्त को दर्शन देने के लिए विवश हो जाते हैं। वीडियो यदि पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख दीजिए।